जैसे भानगढ़, दिल्ली कैंट और डोमांस बीच। इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इंडिया के छोटे छोटे कोनों में कुछ ऐसे रहस्यमय किस्से हैं जिनसे बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे जहां डर को महसूस करने वाले तो बहुत हैं, पर उनकी कहानियां जानने वाले बहुत कम। डिसूजा चौल, मुंबई। मुंबई में कई राज कैद हैं, उन्हीं में से एक है डिसूजा चौल की कुएं वाली औरत। माना जाता है कि जौल में एक कुआ है जिसमें कुछ वर्ष पहले एक औरत गिरकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज तक वहां इधर से उधर भटकती रहती है। कई लोग जो उस चौल में रहते हैं उन्होंने उस औरत को वहां देखा है। रात में कोई भी उस आत्मा के डर से उस कुएं के पास नहीं जाता है। टेरावेरा, बेंगलुरु। 1943 में बना ये महल बेंगलुरु के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 2002 में इसकी मालकिन डॉल्स, जो कि एक पियानो टीचर थी, उसकी किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। डॉल्स की हत्या के बाद वो महल एकदम खाली हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही वहां दिल दहलाने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। महल में पड़े पियानो का अपने आप बज जाना और डॉल्स की आत्मा का दिखना और चीखना और चिल्लाना, ये सब आम बातें हो गईं। जब कुछ लोगों ने अंदर घुसकर ये सब देखने की कोशिश की तो उनको जीजस का एक बिना सर वाला स्टैचू गिरा मिला। अब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर गिरा दिया गया है, पर फिर भी कोई भी इसके आसपास भटकने की कोशिश नहीं करता है। दिल्ली करकरडुमा कोर्ट। दिल्ली का एक कोर्ट जहां गलत और सही का फैसला लिया जाता है, वहां पर किसी के पास कुछ चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। एक रात दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार साफ साफ दिख रहा था कि वहां रात में जब ऑफिस में कोई नहीं था तो चेयर्स इधर से उधर हो रही थी, कंप्यूटर के स्क्रीन्स ऑन ऑफ हो रहे थे और ऑफिस की ड्रॉर्स अपने आप खुल बंद हो रहे थे। उस ऑफिस में काम कर रहे लोगों को कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, पर इस फुटेज को देखने के बाद अंधेरा होने से पहले ही ऑफिस के सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। कुंदन बाग, विच इज लायर, हैदराबाद। कहते हैं हैदराबाद में एक दो मंजिली घर है जिसमें तीन चुड़ैले रहती हैं। एक बार एक आदमी उस घर में चोरी करने के लिए घुसा और उसने देखा कि वहां तीन औरतों की डेड बॉडीज पड़ी है। ये देख वो चोर फौरन रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस की छानबीन के मुताबिक इस चोर के अंदर घुसने से 6 महीने पहले ही इन तीनों औरतों की मौत हो गई थी। हालांकि पूछने पर पड़ोसियों ने दावा किया कि वहां जो तीन औरतें रहती थीं, वो उन्हें पिछले 6 महीनों से कई बार दिख चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वो औरतें काला जादू करती थीं और बिना बिजली के रहती थीं। सिर्फ हाथ में मोमबत्ती जलाए हर रात 12 बजे बालकनी में आके सबको घूर घूर के देखा करती थीं। आज तक उन तीनों औरतों की मौत का सच किसी को नहीं मालूम, पर वो घर अभी भी खाली पड़ा है। कुलधारा विलेज, राजस्थान। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो सदियों से सूना पड़ा है। कहते हैं ये गांव 200 साल पहले तक हंसता खेलता गांव था जहां हजारों लोग रहा करते थे, पर एक रोज जैसलमेर के दीवान का दिल इस गांव की एक लड़की पर आ गया। वो दीवान अपनी बेईमानी के लिए बदनाम था और गांव वाले किसी भी हालत में उस लड़की का हाथ उसको नहीं देना चाहते थे, पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि अगर उसे लड़की नहीं मिली तो वो सबको मार देगा।
इस वजह से गांव वालों ने कुलधारा छोड़ने का फैसला किया और एक रात सभी गांव वाले गांव छोड़कर वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि कोई भी कभी भी वहां नहीं रह पाएगा। तब से वो गांव बंजर पड़ा है और जिसने भी वहां रात गुजारने की कोशिश की है वो वापस कभी नहीं आया है। टनल नंबर 33 शिमला। ये बात उस समय की है जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था। एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बैडवर्क ने उस टनल को बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो इसे बनाने में असफल रहे। अंग्रेजों ने इस बात पर उनको बहुत बेइज्जत किया, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज तक उस सुरंग में घूमती है और कई लोगों के साथ बातें भी करती है। इतना ही नहीं, इस टनल पर कई लोगों ने एक महिला को भी चिल्लाते हुए देखा है जो टनल के अंदर भागते भागते गायब हो जाती है। जीपी ब्लॉग मेरठ। मेरठ का जीपी ब्लॉग शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच बना एक 3 मीलों का ब्लॉग है जो सालों से वीराना पड़ा है। कहा जाता है कि इंडिया के आज़ाद होने से पहले यहाँ ब्रिटिश आर्मी के कुछ बाउंसर्स रहते थे। जो कई लोग जो यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने बताया है कि कई बार उन्होंने महल के कोने में कोई मोमबत्ती की रोशनी में 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स को साथ में गप्पे मारते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने इन घरों के छत पे से एक लाल साड़ी वाली औरत को भी घूमते हुए देखा है। खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित ये बिल्डिंग एक जाना माना साइंस कॉलेज हुआ करता था, पर अब ये एक खंडर बन चुका है। एक दिन अचानक ये बिल्डिंग टूटकर गिरने लगी और इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। बायोलॉजी लैब में पड़ी डेड बॉडीज को कभी बाहर नहीं निकाला गया। कहते हैं वो डेड बॉडीज उस बिल्डिंग के आसपास भटकती हुई देखी गईं। वहां पर अपॉइंटेड सिक्योरिटी गार्ड की बिना वजह मौत ने इस बिल्डिंग के रहस्य को और बढ़ा दिया। लोगों की माने तो आज भी उस बिल्डिंग से तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं। दिल्ली में दुनिया का सबसे गहरा कुआं स्थित है, जिसका नाम है अग्रसेन की बावरी। लोग कहते हैं कि जब इस बावरी में पानी हुआ करता था तब कई लोगों ने यहां डूबकर खुद की जान गंवाई थी। ये भी माना जाता है कि उस पानी में काला जादू था जो उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं इस जगह पर आज भी मौजूद हैं और शाम को 6 बजे के बाद यहां आना किसी को भी अलाउ नहीं है। डाउ हिल वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर दसौ इलाके में दुनिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन है डाउ हिल। एक छोटा सा हिल स्टेशन जो कि देखने में जितना सुंदर है, रात के अंधेरे में वो उतना ही भयानक हो जाता है। वहां का मशहूर विक्टोरिया बॉयज स्कूल कई भूत प्रेत आत्माओं से भरा हुआ है। स्कूल के बंद होने पर भी कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने डाउ हिल के जंगली पहाड़ों पर एक सर कटी लड़की की आत्मा भी भटकती देखी है। लकड़ी काटने वाले मजदूरों के साथ ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जहां जिसने भी उस लड़के को देखा है वो अगली सुबह उन जंगलों में बेहोश पाया गया है। इन 10 कहानियों में कौन सी जगह ऐसी है जिस पर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर इन कहानियों के अलावा भी आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जो एक दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी हो सकती है तो मुझे कमेंट में कर जरूर बताएं। मैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे भानगढ़, दिल्ली कैंट, मुंबई की बावली और बहुत सारी चीज़ें।